आप बहुत सुंदर फूल देख रहे हैं पांच पंखड़ियों वाला, और ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पांच चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों महत्व होता है, कौन सी शक्ति प्राप्त होती है और क्यों होती है। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक है। पांच, अगर हमारे जीवन में पांच को देखते हैं, कहते हैं कि पांच प्रमुख देवता माने गए हैं, पंचगव्य की बहुत ही महत्ता मानी गई है। दीपक में पांच पंखुड़ियों का फूल बना क्योंकि पंचदेव, पंचामृत, पंचगव्य, पल्लव, पांच कर्म इंद्रियां, पंचोपचार, पूजा, पंचाग आदि हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माने गए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। पंचदेवों की विशेष पूजा होती है। सूर्य, आकाश, गणेश, जल तत्व, माँ दुर्गा अग्नि तत्व, शिवजी पृथ्वी तत्व और भगवान विष्णु को वायु तत्व का हम देव मानकर पूजते हैं। ये पांचों देवता प्रमुख माने गए हैं। पांच तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और मरने के बाद हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये शब्द बहुत ही बार हमने सुने भी हैं और ये हमारे जीवन से संबंधित भी होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं पंचोपचार पूजा पद्धति, इसमें कहा जाता है पांच तरह से पूजा करने से पांच तरह की मुद्राओं को बताया गया है। और मान्यता है कि इस मुद्रा में पूजा करने से देवी देवता बहुत जल्दी खुश होते हैं। जैसे गंध मुद्रा, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा जैसी पांच मुद्राएं होती हैं। जैसे बहुत बार मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप पूजा करते हैं तो अच्छी खुशबू आप लगा सकते हैं देवी देवताओं को। दीपक में भी इत्र डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, धूप अच्छी जो खुशबूदार वो जला सकते हैं, दीप बहुत सुंदर तरीके से हम जला सकते हैं और नैवेद्य खाने पीने की अच्छी चीज़ें हम देवताओं को अर्पित कर सकते हैं जिससे वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पंच तत्व के जागृत होने पर ही हमारे पूरे शरीर में शक्तियां जागृत होती हैं। बहुत सारे साधक आपने ऐसे देखे होंगे जो ये कहते रहते हैं जी अभी मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। कोई कहता है जी अब मेरा मन बहुत खुश रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ऐसे ही पंचगव्य से पूजा करना, पाँच चीज़ें शामिल होती हैं जिनसे हम पूजा करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब सावन है तो सावन में पंचामृत से पूजा करना, दूध, दही, घी, गुड़, शहद मिलाकर विशेष पूजा की जाती है। ऐसे ही अगर जो पांच जो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, अगर किसी के भी बच्चे हैं तो उनके नाम से, उन्हें जब वो छोटे होते हैं उनके नाम से वृक्ष जरूर लगाने चाहिए ताकि उनका बैलेंस रहे, उनको जीवन में अच्छा प्रभाव मिले। वो कौन से पेड़ हैं? पीपल, अशोक, गुलर और वट के वृक्ष। ये ऐसे हैं कि हर मनुष्य को, जैसे हम बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, उनके लिए मकान बनाते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ही उनके नाम से हम एक दो वृक्ष जरूर लगाने चाहिए ताकि उनका जो पुण्य है वो उनको मिलता रहे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इतना महत्व है तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। जब भी हमारे दीपक में पांच पंखुड़ियों वाला फूल बनता है तो हमारे पांचों तत्व एक्टिव हो जाती हैं। जब मनुष्य के पांचों तत्व एक्टिव हो जाती हैं तो कहते हैं कि उनके शरीर में चक्कर बहुत जल्दी जागृत होते हैं, उसकी ऑरा बहुत अच्छी बनती है और उसकी सरपनी जिस जो हमारे शरीर में होती है वो बहुत ही कार्य करना शुरू कर देती है। उसकी मूवमेंट महसूस होनी शुरू जाती है रीढ़ की हड्डी में, और ऐसे व्यक्ति को सपने में भी काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे बहुत बहुत सारे की शक्तियाँ मिलती हैं। देखो बहुत सारे लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि कौन सी पूजा से उसकी कौन सी शक्ति जागृत हो गई है।
कई लोग सोचते हैं कि जैसे उन्होंने अपने गुरु को देखते हैं कि उनके गुरुजी किसी चीज़ को सुन कर बता रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो भी सेम ऐसे ही बता पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हर शिष्य की शक्ति अलग अलग उसके पांचों तत्वों पर ऐसी डिपेंड करती है कि कौन सा तत्व उसका ज़्यादा उसको शक्ति प्रदान कर देता है। ये कह सकते हैं कि वो जल्दी जागृत हो जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी उसके बारे में बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर से मिट्टी मंगवाते हैं, तो उसका जिसका भूमि तत्व तो बहुत एक्टिव हो जाता है, वो सिर्फ उस मिट्टी को सूंघकर ही ये बता देते हैं कि आपके घर में इस देवता का वास है, आपके घर में ये नेगेटिविटी है। ऐसे ही बहुत स्थानों पर अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये करते हुए देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग किसी के घर से अनाज मंगाते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ मंगाते हैं, उसको मुँह में रखते हैं, तो वैसे ही जैसे ही वो रखते हैं उनका जो शरीर का रस गंध है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जीभ पर रखते उन्हें वो चीज़ पता चल जाती है कि इनके घर में कुछ नेगेटिविटी है। क्योंकि वो जो चीज़ वो खाते हैं उनको उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कड़वा लगता है। बहुत सारी ये एक्सपीरियंस भी बहुत सारे लोगों ने किया है कि मैंने स्वयं एक बार देखा कि जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी बहुत जाते हैं तो वहाँ पर जल मिलता है और उस जल का छींटा भी किया जाता है। तो पहले छींटा किया जाता था, कोरोना की वजह से वो छींटा वगैरह भीड़ को बैलेंस करने के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया। पर वहाँ पर जैसे वो जल होता है, जैसे किसी भूत प्रेत से बाधित व्यक्ति पर पड़ता था तो बहुत सारे लोग चिल्लाते थे, या जैसे मैंने बहुत बार देखा कि वहाँ के जो भगत होते हैं वो इस जल को लेते भी हैं, क्योंकि वहाँ पर जल मिलता भी है, वहाँ पर बाकायदा कार्यालय बना रखा है, वहाँ पर वो जल मिलता है, तो वो उस जल को ले लेते हैं। और जैसे ही कोई भूत प्रेत बाधित व्यक्ति होता है उसकी आगे थोड़ा सा नाक के आगे वो जल लगा देते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत छटपटाता है कि मुझे बहुत बदबू आ रही है, मेरा जी घबरा रहा है, इस जल को हटाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बुरी शक्ति होती है वो उस जल के जो महक है, क्योंकि वो जो जल मिलता है बालाजी के हृदय से निकलता है और चरणों में उस उनके कुंड है वहाँ पर इकट्ठा होता है, तो ये मानते हैं कि वो बहुत चमत्कारी है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत रोते हैं, चीखते हैं। तो ये चीज़ें भाई मैं कोई बना कर नहीं कह रही हूँ, आप ये गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ये बिल्कुल है कि वहाँ पर जल है। पर पहले तो जैसे बाकायदा छींटा देते थे आरती में, बहुत सारे लोग ऐसे ही लोटपोट होना शुरू हो जाते थे, तो वो चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनका कोई सा भी तत्व एक्टिव हो जाता है। जैसे कई मैंने भक्तों को देखा है कि वो पूछा के लिए घी या तेल मंगाते हैं घर का, तो वो इसलिए ही मंगाते हैं क्योंकि उस घी और तेल में जो उनकी नाक की इंद्रिय है वो इतनी प्रबल हो जाती है, जिसको कहते हैं हम वायु तत्व, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जैसे ही वो उसको नाक के पास लगाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि उसमें से उनको घी और तेल की खुशबू ना आकर उन्हें बहुत गंदी आती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक तरह की स्मेल होती है, वो हर तरह की स्मेल बता देते हैं कि इसमें से जले हुए की आ रही है, इसका मतलब आप पर शमशान की क्रिया हुई है, इसमें से गंदी क्रिया आ रही है जैसे लैट्रिन बाथरूम की होती है, इसका मतलब नीच क्रिया है। जैसे बहुत सारे लोगों में अजीब सी जो पानी सड़ रहा है उस तरह की बदबू, मतलब बहुत सी तरह की बदबू होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे एक तरह की बदबू आती होगी, नहीं, क्योंकि उस बदबू से ही वो भगत ये बता देता है कि सिर्फ मुझे इस तरह की बदबू आ रही है तो इसका मतलब इस व्यक्ति पर शमशान की क्रिया है, इस व्यक्ति की पैर की मिट्टी उठी हुई है क्योंकि इस तरह की जो मिट्टी की महक आ रही है, हर तरह की चमड़ा जलने की महक, बहुत तरह की महक होती हैं। अगर कोई इस लाइन में है वो इन बातों को समझ पाते हैं, या जिनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही होती हैं वो समझ पाते हैं। तो ऐसा है कि साधक को शक्तियाँ मिल रही हैं। अब जैसे जिसके वायु तत्व एक्टिव है वो सुनकर बता रहा है कि शक्ति में इसका मतलब कुछ ना कुछ पर क्रिया हुई है। जैसे यहाँ पर कहते हैं जब छोटा बच्चा उससे उसको नज़र हो गया है, उस पे से नज़र हटाई जाती है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं। तो अगर दीपक में पांच पकौड़ियों का फूल बन रहा है, इसका मतलब
कोई ना कोई सा आपका एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और उससे आपको भविष्य दिखेगा। पर आपको ये खुद देखना होगा कि वो कौन सा स्ट्रोंग हुआ है। आपका एक तत्व स्ट्रोंग हुआ है, दो हुए हैं, तीन हुए हैं, ये सब पर अलग अलग होता है। सबकी साधनाएं अलग होती हैं, गुरु कितना शक्तिपात कर रहा है, कितना आपको सिखा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा बन रहा है तो आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, पर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने की कोशिश आप स्वयं कर सकते हैं, चीज़ों को स्मेल करके। किसी के घर जा रहे हैं, उसकी स्मेल पर ध्यान दें, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं तो आप सफल भविष्यकर्ता बन सकते हैं। बोलो जय श्री राम।